वो सारे अधिकारी जो मुखौटा भारतीय जनता पार्टी के लगाए थे उनको निपटाने का काम अपन ने शुरू किया। मुस्लिम समुदाय के बीच खड़े होकर शेखी बघारने वाली ये जनाब लखन घनघोरिया हैं, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री लखन घनघोरिया। मंत्री जी बड़े फख्र से जिन अधिकारियों को निपटाने की बात कह रहे हैं उन पर जबलपुर में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट का आरोप है। आरोप है कि वो अधिकारी हालात को संभाल नहीं सके, लेकिन उन आरोपों के बीच सरकार में मंत्री लखन घनघोरिया बड़े मंच से अधिकारियों के तबादले की जो वजह बता रहे हैं उससे कमलनाथ सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। और ये साफ हो गया है कि अधिकारियों पर कार्रवाई की वजह कानून व्यवस्था नहीं बल्कि राजनीतिक है। जरा फिर से सुनिए लखन घनघोरिया का वो बयान। वो सारे अधिकारी जो मुखौटा भारतीय जनता पार्टी के लगाए थे उनको निपटाने का काम अपन ने शुरू किया। दरअसल जबलपुर शहर में पिछले साल 20 दिसंबर को CAA को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बाद 27 दिसंबर को एडिशनल SP, CSP, हनुमान ताल थाना प्रभारी और गोहलपुर थाना प्रभारी का तबादला कर दिया गया था। इन अधिकारियों के समर्थन में हिंदुत्ववादी संगठनों ने सोमवार को जबलपुर में बंद बुलाया था। इस बंद को लेकर ही मंत्री जी मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचे थे और शेखी बघार रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सोमवार को गांव वालों ने एक आदमखोर गुलदार को घेर कर मार डाला। यहां के भोगपुर गांव के लोग इस आदमखोर गुलदार के खून के प्यासे थे, क्योंकि इस गुलदार ने एक 14 साल के बच्चे की जान ले ली थी। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने गुलदार की तलाश शुरू की और एक खेत में घेर कर उसे मार डाला। गुलदार के शिकार के लिए कुछ ग्रामीण बंदूक लेकर पेड़ों पर चढ़ गए और कुछ ट्रैक्टर पर सवार होकर खेत में घुस गए। इसके बाद उन्होंने गुलदार को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि अफसरों ने फायरिंग नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन ग्रामीणों ने इसे अनसुना कर दिया। गोली लगने से गुलदार की मौत हो गई। गुलदार ने जिस बच्चे को अपना शिकार बनाया वो नजीबाबाद के भोगपुर गांव में सरकारी परिषदीय विद्यालय में पढ़ता था। दोपहर में छुट्टी के वक्त वो बच्चा बाकी बच्चों के साथ अपने घर भोजन करने जा रहा था, तभी रास्ते में गुलदार उस बच्चे को उठा ले गया। बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण हथियार लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। इसके बाद गुलदार बच्चे के शव को छोड़कर भाग गया। बच्चे का नाम प्रशांत बताया जा रहा है। वो कक्षा 6 का छात्र था। जानकारी मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। ये आदमखोर गुलदार अब तक 5 लोगों की जान ले चुका था। गुलदार को पकड़ने में मदद के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से 2 एक्सपर्ट 2 दिन से बिजनौर में थे, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। गुलदार को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लगाए गए थे, उनमें बकरी भी बांधी जा रही थी, लेकिन गुलदार पिंजरों के पास नहीं आ रहा था। इस गुलदार के मरने से भी बिजनौर में खतरा टाला नहीं है, क्योंकि बिजनौर में करीब 30 गुलदार देखने का दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।